मैं डॉक्टर आलोक खरे बरेली कॉलेज का चीफ डॉक्टर हूँ। हाँ जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ और बरेली के बारे में जो भी उनकी कार्य योजनाएं हैं वो यहाँ पर उन्होंने सामने रखी है। बरेली के विकास से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करी हैं, ये भी बताया कि बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल पाइपलाइन में है जो जल्दी निकल के आएंगी और विकास के जो बरेली के जो लिए मापदंड है पूरी तरीके से पूर्ण होंगे बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। मेरा नाम प्रोफेसर पंपा गौतम है और मैं यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग में की प्रभारी हूँ विभाग की, और ये हमारे कॉलेज का सौभाग्य है कि हमारे कॉलेज में हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी नाथ जी आए और उनका यहाँ आना हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और हम लोग को प्रेरणा मिलती रहेगी विकास के, देश के विकास में। और हम अपने छात्रों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि अपने योगीनाथ जी से कुछ प्रेरणा लेके वो आगे अपना कुछ बेहतर करें। मैं डॉक्टर पूर्णिमा अनिल हूँ, इसी बरेली कॉलेज बरेली में अंग्रेजी विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष और साथ ही साथ वाइस प्रिंसिपल। निश्चित ही एक मनभावन कार्यक्रम था जिसने सभी के हृदयों में एक प्रसन्नता की लहर तो पैदा की ही है, क्योंकि जितने करोड़ की योजनाएं वो इस शहर को समर्पित करके गए हैं सभी को ये लग रहा है कि हमारा शहर बहुत तेज़ी से बदलाव की एक करवट लेगा और प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर एक मुख्य शहर बन करके उभरेगा। मैं डॉक्टर वीनम सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एंड डीन स्टूडेंट वेलफेयर बरेली कॉलेज बरेली। बस इतना ही कहना है जैसा कि मैडम ने अभी कहा, जितने करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री जी हमारे शहर को देकर गए हैं उससे हमारा शहर बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा और उसकी जो डेवलपमेंट है वो आगे के समय में बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा हम सब सोचते हैं। मेरा नाम पुनीत जौहरी, बरेली ज़िले में ही बहेड़ी में MGM इंटर कॉलेज है, वहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर मैं कार्यरत हूँ। आज के कार्यक्रम की भव्यता एवं दिव्यता अतुलनीय रही एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जो यहाँ पर आकर घोषणाएँ की, एक स्वस्थ समृद्ध उत्तर प्रदेश की जो परिकल्पना की वो वाकई काबिल तारीफ रही। आलोक गंगवार, बहेड़ी MG मंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, और कार्यक्रम आज का जो है भव्य भी था, दिव्य भी था, और 1400 करोड़ से ऊपर की परियोजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण भी किया है, कुछ का उद्घाटन किया है, और जो विकास पुरुष के नाम से मोदी जी योगी जी जाने जाते हैं उसका आज प्रतिबिंब यहाँ पर दिखाई दिया, और बहुत सारी जनता ने मेरे ख्याल से शायद 30 से 35-40 हज़ार जनता आज इस कार्यक्रम में मौजूद हुई और एक अच्छा और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। मेरा नाम, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं बरेली महानगर से हूं, मेरा नाम मोनू गुप्ता है, मैं यहां पे महानगर मंत्री हूं किसान मोर्चा से। बरेली में आज ये जो ये सभा लगाई गई थी प्रशासन द्वारा लगाई गई थी, BJP के कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है वो योगी जी को देखने के रूप से और कार्यकारक के रूप से लिया गया है। यहाँ पर आके जो भी जनता आई है उसे संतुष्टि मिली है, योगी जी को देख के दिल गदगद हो गया। मैं भी यहाँ का सभासद प्रत्याशी भी हूँ वार्ड नंबर 1 से, और योगी जी का कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा है और काफ़ी बैठ रहा है। मैं नीमा भंडारी और मैं कई NGO से जुड़ी हूँ और BJP महिला मोर्चा कालीबाड़ी मंडल की महामंत्री हूँ, और मैं कई NGO से जुड़ी हूँ, इनर व्हील क्लब में भी हूँ, राष्ट्र जागरण युवा संगठन की मंडल महामंत्री हूँ, और मैं BJP के लिए कहना चाहूँगी BJP एक ऐसी सरकार है जिसने महिलाओं को बहुत मान सम्मान दिया है घर में और समाज में, और BJP ने हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, जन्म से लड़की की बेटी जब जन्म लेती है तब से लेकर समझ लीजिए उसके एजुकेशन, जन्म से लेकर शादी तक का सारा खर्चा सरकार हमारी करती है महिलाओं के लिए, और ये बहुत अच्छी एक वो है। और मैं ये कहना चाहूँगी BJP हमारी, जब से BJP आई है हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और हम महिलाओं को इतना सम्मान मिला, आज स्वतंत्र होकर हम लोग घूम रहे हैं घर से बाहर और सुरक्षित हैं। हम चाहते हैं BJP ही आए और मैं ये कहूँगी महिलाओं के, योगी जी ने और BJP सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किया है, वैसे तो बहुत कुछ किया है लेकिन सबसे जो ज्यादा किया है वो महिलाओं के लिए किया है।